तो वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग यार। आज का सीन ये है कि आज जो है ना मैं अपना वलीमा जो है ना खुद से करूंगा। मैं सोच रहा हूँ ऐसे तो होना नहीं है तो फिर मैं खुद ही अपना करा लूं। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। मतलब कि यार मैं ना लाहौर में एक बड़ा फेमस जगह है ठीक है ना, वहाँ वलीमा हाउस, तो मैं वहाँ जाके जो है ना वहाँ के खाने ट्राई करूंगा। वो सुनने में आया बिल्कुल जो है ना वलीमे जैसे होते हैं और ना बड़ा उसका हैवी सीन है और फुल मटन फुल गोश्त खोर आज हम बनेंगे ठीक है। और ना बड़ा कमाल किस्म का उसका सारा सेटअप सुटअप है, तो अब जाके देखते हैं कि क्या क्या है। वाकई उसकी इतनी हाइप है कि वाकई उसमें कोई लेवल लेवल का सीन है। तो अभी जाके ट्राई करते हैं और साथ सुन लोगों को दिखाते हैं और साथ एक फूड रिव्यू और डिटेल जो है ना वो वीडियो बनाते हैं ठीक है। वहाँ जाके तुम्हें फिर मिलता हूँ। तो हाँ रुको, तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करते जाओ साथ साथ। देखो कितनी अच्छी अच्छी तुम लोगों के लिए वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ। तो बाकी मैं तुम्हें आज आके मिलता हूँ पक्का। फिर आज की वीडियो में जो है ना मेरे साथ ये भर रही ठीक है। मेरा जो है ना ये छोटा भाई है ठीक है। मैंने तुम लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं ना करवाया था, पहली बार आया तो मैंने सोचा कि यार इसको साथ ले जा के ना आज का सीन बना दें, क्योंकि सारे जो मेरे दोस्त हैं वो सारे फिल्म बात है और सारे फिल्म करा गए। तो फिर मैंने कहा क्यों ना अपने भाई को लेके जाया जाए। क्यों क्या परेशान क्यों हो गया इतना कैमरा देख के है। A few moments later. ये अंदरून से होके इन गलियों से अंदर आते हुए ये तंग गलियों से प्योर एंशियंट वाइब के साथ हम जो है ना वो वलीमा हाउस जो है ना वो पहुंच गए हैं ठीक है। अब जो अंदर जाके चेक करते हैं कि इसका क्या सीन है। वैसे तो गेम हैवी लग रही है, बाहर जो पतीला पतुला पड़े हैं, अब अंदर जाके देखते हैं कि क्या सीन है। तो यार मैंने सोचा कि तुम लोगों का फूड टूर दे दिया जाए। ये जो है ना ये मटन की टिक्कियाँ पड़ी हुई, तुम लोग चेक कर सकते हो इसकी अरेंजमेंट कितनी कमाल किस्म की। आगे जो है ना हमारे पास आ गई है पालक, पालक गोश्त नहीं है आज, पालक जो है ना इन लोगों ने चिकन में पकाई हुई है। और उसके साथ जो हमारे पास आ गया है आलू कीमा, और चेक कर सकते हो इसकी भी अच्छी फील आ रही है। और साथ ही हमारे पास दाल माश आ गई है, और ये चेक करो ये ज़रदा जो है हमारे पास कितना लेवल किस्म का है, और ना देखने में कितना अच्छा लग रहा है, ऊपर बादाम और वो सारा कुछ। और उसके बाद जो है हमारे पास आगे जो है ना ये चिकन कौरमा, तो आज मटन नहीं था, मटन का मरना रोस्ट होता है यहाँ पर ना, अभी इस टाइम जो था वो चिकन कौरमा था। इसकी भी गेम अच्छी लग रही। और साथ जो हमारे पास जो है ना ये मटन बिरयानी है मटन की, और इसकी भी गेम बड़ी अच्छी है। फिर पहले क्या और क्या सीन है इसका? ये हो गया सर जी 60 साल हो गया अलहमदिल्ला इसका तकरीबन इसको। और आपके पास क्या क्या डिशेज होती हैं अवेलेबल? आज आप आए हैं बुध वाले दिन, बुध वाले दिन मटन नहीं होता। मटन नहीं होता जी जी, आगे पीछे जो। A few moments later. तो यार हमने जो है ना इसका पूरा मेन्यू ऑर्डर कर दिया। सबसे पहले हमारे पास जो है ना ये मटन बिरयानी आ गया ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे पास ये आ गया चिकन कौरमा। तुम लोग देख चेक कर सकते हो इसकी भी जो है ना हैवी गेम मुझे लग रही है। उसके साथ ही हमारे पास जो है ना ये आ जाती है मटन की टिक्कियाँ आ जाती हैं ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना ये आ रहता है मटन कीमा आ रहता है, और साथ ही हमारे पास दाल माश है, और ये पालक। पालक की जो है ना मैंने बड़ी हैवी गेम सुनी है। हम जो है ना इसको चेक करेंगे कि इसका वाकई गेम अच्छी है कि नहीं है, और यहाँ वैसे ही हमें इसकी बातें और हम आई हैं। और साथ ही हमारे पास जो है ना वो जर्दा आ रहा था, जर्दे में तुम लोग चेक करो इसने बादाम वगैरह किशमिश वगैरह डाले हुए हैं, तो मुझे तो ओवरऑल इसका भी टेस्ट बड़ा अच्छा लग रहा है। आप खा के चेक करो। तो यार सबसे पहले जो है ना मैं इसकी ना मटन जो है बिरयानी वो ट्राई करने लगा ठीक है। तो तुम लोग चेक कर सकते हो कि ना इसकी कितनी हैवी गेम है, और ये मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि मटन तुम लोग चेक कर सकते हो। थोड़ा ना चुई किस्म का मटन है, पर चेक करो कि गला कितना हुआ गोश्त, और ना गेम जो है ना इसकी ओवरऑल मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। तो अब इसको खा के मैं टेस्ट करके तुम लोगों को बताता हूँ कि क्या सीन है। तो यार अच्छा है, बहुत कमाल किस्म का टेस्ट है, पर जो है ना ये थोड़ी सी तुम लोग कह सकते हो कि ना फीकी है ठीक है ना। अगर तुम लोग जो है इसके साथ कोई चीज़ और ट्राई कर लोगे तो ये बड़ी लेवल किस्म की है। मैं एक और बार ट्राई करता हूँ। इसके साथ जो मैं मतलब कि कोई चीज़ ट्राई करके देखता हूँ, तो मैं ना इसके साथ जो है ना पालक ट्राई करूँगा। इसकी मैंने बड़ी तारीफ सुनी है, वैसे भी लोग ज़्यादातर यहाँ पे पालक और इसको मिक्स करके खा रहे थे। तो पालक की हैवी गेम है, पर पालक को अब इसके साथ मैं ट्राई करता हूँ पहले। तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ क्या सीन है। एक बाइट बनाते हैं अच्छी सी हैवी सी। पहले
मिक्स करके चेक करो। अब मैं इसके साथ देखता हूँ कि इसका टेस्ट किस तरह का होता है। यार इंस्टेंट टेस्ट है, बहुत ही लेवल किस्म का है, कमाल किस्म का टेस्ट है इसकी। ना पालक का जो अखीर गेम जो है ना, पालक बिरयानी के साथ उठा रही थी। तो मैं तुम लोगों को कहूँगा, अगर तुम लोगों ने ऑर्डर करना हो तो तुम लोग पालक और ये साथ चावल करो, बहुत ही लेवल किस्म की गेम बनाती है। तो यार अब मैं ना एक और बाइट जो है ना वो चावलों के साथ पालक की ट्राई करने लगा, क्योंकि मुझे जो है ना इसकी गेम बहुत अच्छी लगी। तो यार कमाल टेस्ट है, बहुत लेवल किस्म का टेस्ट है इसको, और इसका जो है ना ये दोनों मस्ट रिकमेंडेड है। और ये अगर तुम लोग दोनों कॉम्बो के साथ खाते हो ना तो यार अखीर गेम बनाती हैं दोनों। अब जो है ना मैं पालक को जो है ना वो अलग से ट्राई करूँगा, क्योंकि इसकी गेम जो है ना बड़ी कोई नस्ली किस्म की पालक है। तो मैं जो है ना इसको अब ट्राई करूँगा, मैं रोटी के साथ जो है ना इसको ट्राई करके देखता हूँ कि ना इसका क्या सीन बनता है क्या नहीं। तो वैसे चावलों के साथ बड़ी गेम उठी है, तुम लोग चेक कर सकते हो। चिकन भी तुम लोग चेक कर सकते हो कि कितना गला हुआ और क्या उसकी हैवी गेम जो है ना वो तुम लोगों को दिख रही होगी। अब मैं ट्राई करके देखता हूँ सिंपल बाइट। यार कमाल मुंह में जो है ना ये घुल जाती जाके, इसका जो टेस्ट है ना बहुत लेवल किस्म का टेस्ट है, बिल्कुल रिच अपने फ्लेवर्स के अंदर, और ना बहुत ही आला है। बार बार दिल करता बंदा इसको ना बार बार खाए, क्योंकि इसके जो है रिच इन फ्लेवर्स है। पालक वैसे भी किसी किसी को बनानी आती है, और ये वैसे ही बड़ी लेवल किस्म की बनी हुई है। ये तुम लोग चेक करो यार, चिकन भी चेक करो और वो गेम चेक करो। मैं एक जम्बो बाइट जो है ना इसकी खा के ट्राई करता हूँ, और ना ये चेक करो यार, बहुत कमाल है, अखीर किस्म का इसका टेस्ट है। ये मस्ट ट्राई है यहाँ की, अगर तुम लोग आते हो तो पालक और ये चावल, ये दोनों जो है ना ये मस्ट ट्राई है। अब जो है ना मैं अपनी अगली डिश जो है ना वो ट्राई करने लगा हूँ। तो हमारे पास जो है ना वो चिकन कौरमा, अब जो है मैं इसकी गेम चेक करता हूँ कि क्या है रोटी के साथ। पहले मैं इसको रोटी के साथ ट्राई करता हूँ, इसका भी तुम लोग चिकन चेक करो कि ना कितना गला हुआ और क्या लेवल का सीन दे रहा। इसको खा के चेक करते हैं कि इसकी क्या गेम है, इसकी है कोई कि नहीं। तो ये भी तुम लोग चिकन चेक कर सकते हो कितना गला और कितनी को लेवल गेम उठा रहे है। तो दिखने में तो अच्छा लग रहा, आप खा के चेक करते हैं कि क्या गेम है। तो यार ये बस ठीक है, मतलब ये नॉर्मल है। पालक के बाद, पालक के खाने के बाद जो है ना ये मतलब कि ना वैसा फ्लेवर नहीं दे पा रहा, क्योंकि पालक ने जो चस्का लगा दिया ना, ये मतलब जो घरों में आम नहीं बनते उस मतलब को उस हिसाब का है। ठीक है, नॉर्मल है इसका टेस्ट। अब जो है ना मैं इसको इसके साथ चावलों के साथ ट्राई करके देखता हूँ कि कोई गेम बनती है कि कोई नहीं बनती। चावलों के साथ अब इसको डाल के एडजस्ट करके चेक करते हैं कि गेम उठती है कोई, क्योंकि बस वो नॉर्मल है जैसे कह रहा हूँ मैं, आम सालन नहीं होता वैसे। तो मैं बिरयानी के साथ चेक करता हूँ कि मटन बिरयानी के साथ इसकी गेम है कि नहीं है। तो इसमें से चिकन का पीस है उतारते हैं, उसके साथ रखते हैं, और ना एक अच्छी सी बाइट बना के ना तो चेक मारते हैं। तो यार बस ठीक है, इसके साथ भी कोई इतनी खास नहीं लगी, उसका भी अलग टेस्ट आ रहा, और उसका भी जो पर जो पालक ने जो गेम उठाई थी ना उसके साथ, वो एक अखीर थी बस। इसका जो है मैं इसको साइड पे रखूँगा, क्योंकि इस काबिल नहीं है खाने के। ठीक है, मतलब मुझे इतना खास नहीं लगा। तो अब जो है ना मैं अगली डिश अपनी कीमा जो है ना वो ट्राई करने लगूँ। कीमा तुम लोग चेक कर सकते हो, मटन कीमा। तो मैं इसकी गेम चेक करता हूँ कि क्या है। रोटी के साथ इसको पहले कीमे को मैं ट्राई करूँगा, और देखते हैं क्या बनता है। तो यार बोतल शोतल पी के ना थोड़ा खाने को नीचे कर लेते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिशेज़ जो है ना वो ट्राई करनी है। तो अब जो है ना मैं अपनी अगली डिश जो है ना वो आलू कीमा जो है वो ट्राई करने लगूँ रोटी के साथ। तो चेक करते हैं इसकी अब अच्छी गेम है कि नहीं है, तुम लोग चेक कर सकते हो। वैसे आलू है, कीमा है, मटन कीमा, और जो है ना गेम तो अच्छी लग रही है, दिखने में तो अच्छा लग रहा है। पर अब जो है ना वो मैं ट्राई करके देखता हूँ, साथ तुम लोगों को टेस्ट बताता हूँ कि क्या है इसका क्या नहीं है। चलो अब ट्राई करते हैं। एक जंबो बाइट बनाते हैं इसकी।
कीमा भी यार बस ठीक है, मतलब कि तुम लोग कह सकते हो जो घरों में नहीं हम बनाते, मतलब कि वैसे ही है, घरों वाला ही है, कोई इतना ख़ास मिर्च मसाला नहीं है, एक नॉर्मल सा टेस्ट है, कोई इतनी हाइप नहीं है, और ना मतलब कि बस ओके है, जैसे मतलब कि वो नहीं था जो भी हमने चिकन कौरमा खाया वो भी ओके था, और ये भी मतलब कि बस ओके ही है, इतना कोई मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगी इसकी ये। और मटन और उसका टेस्ट तो ठीक आ रहा, पर जो घर में हम अमूमन खाते हैं तो वैसे ही लग रहा। अब जो मैं अपनी अगली डिश जो है ना, मैं दाल माँ जो है वो ट्राई करता हूँ, ये भी वैसे इसकी मैंने तारीफ भी सुनी हुई है और लोग ज़्यादातर ये भी बड़े खा रहे, तो अब मैं इसकी जो है ना वो चेक करके देखता हूँ कि क्या गेम है, तो इसको भी मैं पहले रोटी के साथ जो है ना वो ट्राई करता हूँ आप कि क्या गेम बनती है क्या नहीं। वैसे मुझे कोई दाल माँ इतनी कोई ख़ास नहीं लगती, मतलब कि फेवरेट नहीं है मेरी, पर अब तुम लोगों को रिव्यू करके बताता हूँ कि गेम अच्छी है कि नहीं है। चेक कर सो, थिक दाल है इसकी बिल्कुल, ये अच्छी है यार, मतलब कि जो इसकी हाइप थी उसके मुताबिक जो है ना ये भी अच्छी है, मतलब कि दाल माश ठीक है अगर तुम लोग का, तो उन दोनों से तो बहुत बेहतर है, मतलब कीमे से और चिकन के कौरमे से, और पर और पालक से थोड़ी नीचे, ओवरऑल जो है इसका टेस्ट भी अच्छा है। वैसे तुम लोग खुद सोचो कि मुझे इतनी पसंद नहीं, पर फिर भी मैं जो है ना इसको बार बार ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि टेस्ट इसका भी वाकई में अच्छा है। तो अब इसकी एक और बाइट जो है ना वो ट्राई करके देखते हैं। दाल जो है ना इसकी बड़ी थिक है और ना बड़ी अच्छी, मतलब कि ना लेवल किस्म की जो है, इसके अंदर जो मसाले जो हैं वो रिच है। तो अब जो है ना मैं अपना जो है वो जर्दा ट्राई करता हूँ, जर्दे की क्या गेम है। जर्दे के अंदर तुम लोग चेक कर सकते हो, उसने बादाम और ये किशमिश वगैरह डाले हुए। जर्दे की जो है ना, जर्दा तो इसका मस्ट रिकमेंडेड है, ठीक है ना, क्योंकि जो उसकी वहाँ मैंने गेम देख लिया ना उसके बाद से, अब इसको ट्राई करके देखते हैं कि इसका क्या सीन है। जर्दा यार लेवल है, बहुत कमाल है जर्दा, अखीर इसकी गेम है यार, मतलब कि तुम लोग कह सकते हो कि मतलब हर चीज़ इसकी बिल्कुल मुनासिब है, प्रॉपर जो है ना इसके फ़्लेवर्स के अंदर जो है रिच है अपने फ्लेवर्स के अंदर, जर्दा जो जिस तरह का जर्दा होना चाहिए ना ये बिल्कुल वैसा है। लाहौर में मतलब कि इतने कोई अच्छे नहीं है जर्दे के पॉइंट पर, ये वाला जो है ना ये तुम लोगों के लिए मस्ट रिकमेंडेड है, बहुत ही आला, ये बड़ी अच्छी अपनी गेम उठा रहा, ये जो है ना वो टिकियाँ रह गई थी मेरी, मैंने मीठा पहले ट्राई कर ली, अब चलो मैं ना तुम लोगों की मटन की जो है ना टिक्कियाँ ये ट्राई करके बताता हूँ कि इसका क्या सीन है। इसके अंदर जो है ना वो ये बड़ी कोई लेवल किस्म की बनाते हैं, एक शामी का पूरा मिक्सचर तैयार करके ना उसके अंदर जो है ना वो मटन के जो छोटे छोटे पीस जो है ना वो डालते हैं, और साथ जो है ना ये हैवी जी किस्म की जो है ना ये टिक्की बनती है। तो अब मैं जो है ना इसको पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना इसको ऐसे सादा ट्राई करके देखता हूँ कि क्या। तो यार ये भी कमाल है, इसका जो ओवरऑल टेस्ट है ना वो अच्छा है, मतलब कि रिच फ्लेवर दे रहा है अपना, ठीक है बिलो द एवरेज नहीं कह सकते इसको हम, अच्छा टेस्ट है इसका भी, और ना मतलब कि कीमा और उसके लिहाज से तो ये भी बहुत बेटर है। तो अब जो है ना वो मैं अपनी जो है ना बिरयानी के ऊपर वापस आता हूँ, क्योंकि बिरयानी जो है ना ये बड़ी गेम उठाती है। अब मैंने कहा चलो कीमे को ना रोटी के साथ मैंने ट्राई किया, अब बिरयानी के साथ मिक्स करके जो है ना वो ट्राई करके चेक करता हूँ कि कहीं से कीमे का जो है ना वो टेस्ट मतलब कि मुझे अच्छा लगे, बिलो द एवरेज ना लगे, सीन अच्छा लगे। तो अब मैं इसको खा के चेक करता हूँ कि इसका क्या गेम है क्या नहीं है। कीमा बिरयानी के साथ भी बस ओके ओके लग रहा है, मतलब ये घर वाला हिसाब ही है कीमे का, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है कि आप बाज़ार से आके तो इसको खरीद के खाओ, ये बस मतलब कि ना ओके ओके तुम लोग कर सकते हो। अब जो है ना इसकी मटन की वो जो है ना चेक करो यार, चुई मटन है ये बिरयानी का जो है, ये नहीं है कि बिल्कुल ही गला हुआ है, थोड़ा थोड़ा चुई है पर अच्छा है टेस्ट में। बिरयानी जो है ना अपने फ्लेवर के अंदर बड़ी रिच है। तो यार मटन का भी जो है ना इसके अंदर जो है ना वो प्रॉपर टेस्ट आ रहा है। चलो मैं तुम लोगों को रेटिंग बताता हूँ, ये जो है ना ये अच्छा था, ये बिलो एवरेज था, मतलब कि मुझे इतना ख़ास नहीं लगा, और उसके साथ भी क्योंकि यार इसकी और कीमे की जो गेम थी ना वो इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब कि इसके अंदर जो मसाले थे ना वो बिल्कुल लाइट लाइट से थे, ऐसी कोई बाजार वाली फील नहीं थी, पर इसके अंदर जो मसाले थे ना वो बिल्कुल ही रिच थे, ये नस्ली किस्म की जो पालक थी और ना बड़े ही लेवल टेस्ट, और साथ बिरयानी, बिरयानी जो है ना वो भी रिच थी अपने फ्लेवर्स के अंदर,
मटन का उसके अंदर अलग टेस्ट था, मटन के बगैर भी चावलों को खा रहे थे तो, पर बिल्कुल ना उसके रिच था मतलब कि ना टेस्ट के अंदर जो बिरयानी थी और जो मटन की टिक्कियाँ थी ना वो यार अखीर किस्म की यमन आ रही थी, मतलब कि साफ पता लग रहा था कि वो आम टिक्कियों से जो है ना वो बहुत बेहतर थी। और जर्दे की तो तुम लोगों को पता है कि गेम जो है ना वो बड़ी अखीर। तूने सारा रिव्यू सुना और तूने अब क्या चीज़ ट्राई कर ली? बिरयानी और ये। चल शुरू कर, पहले ट्राई करना शुरू कर और टेस्ट बता, टेस्ट वाइज क्या सीन है इसका? हाँ देख तूने क्या लगती है इसकी गेम, बाकी अच्छी है कि नहीं? हाँ निकाल। ये क्या गेम है? कैसी है? कमाल है ना, बाकी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। इसका और इसका कॉम्बिनेशन अखीर है। हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ, ये ट्राई कर, दाल ट्राई कर। ये तो ज़्यादा आ गया, आ गया। तो रोटी के साथ। हाँ खा के देख फिर क्या सीन है। ऑयल ज़्यादा है नहीं? हाँ है, ऑयल ही है सारी। आम जैसे घरों में बनती है, वैसी कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। हाँ ये लेवल है। हाँ ये दोनों चीज़ें इसकी मस्ट रिकमेंडेड है। अच्छा आप अगली चीज़ देख, आलू बोला ट्राई करके देख। हाँ अभी बस ओके है, वो इतना खास नहीं है। हाँ ये ओके ओके है बस। अब ये जो है ना ये चिकन कौरमा ट्राई करने में मुझे तो इतना खास नहीं लगा, ये कह रहा है मैं बिल्कुल सिंपल था। हाँ खा के देख कैसा है। ठीक है बस ओके ओके है, मिर्च मसाले बहुत लाइट लाइट हैं, मुझे भी कुछ ना ये इसकी गेम अच्छी नहीं लगी। इसकी हाइप जो है ना गला हुआ है, ये गला हुआ है, वो इसका हार्ड है बस, इसका जो है ना इसका ठीक है। ये मटन की है क्या लग रहा है? अच्छी है बाकी, इसका सीन है बहुत, इसका लेवल ये जो है ना नहीं। हाँ बिल्कुल अलग है, स्पेशल और बाकी मटन की लगी और फील दे रही है मटन वाली। हाँ ट्राई करने लगा जिसकी बाकी अच्छी गेम थी। हाँ बताओ कैसा लगा? अच्छा है, बहुत फील है और लेवल का है। हाँ मुझे भी देसी घी वाली जो है ना फील आ रही थी इसके अंदर से। तो ओवरऑल जो है ना इसकी रेटिंग जो है 10 out of 10 थी, इसकी भी 10 में से 10 थी। इसको मैं दूंगा 5 ठीक है, क्योंकि मुझे इतना कोई खास नहीं लगा। और इसको भी मैं 5 ही दूंगा ठीक है, और मुझे दाल है वो 7 रेट कर लो तुम लोग, क्योंकि वो भी कोई इसकी मुझे अच्छी नहीं है, उसको भी मैं 7 रेटिंग ही दूँगा। और ये जो टिक्की है ना ये 10 है, ये भी नेक्स्ट लेवल है। और 4 ही ज़्यादा, हाँ ये जो 4 इकट्ठे पड़ी हुई हैं, इनकी गेम अच्छी है और कमाल गेम। कोई बात नहीं, नहीं टेस्ट बहुत अच्छा है। और रमजान में बंद रहेगा ये। और अगर जिसने मतलब पूरा मेन्यू अगर ऑर्डर करना हो या सारी अवेलेबल डिशेज चाहिए हो तो वो किस टाइम आए? 1 बजे के करीब। 1 बजे के करीब, और ये 12 बजे ओपन होता है? 12 बजे चलो ठीक है, 1 बजे भी आपको सब कुछ इंशाल्लाह। ठीक शुक्रिया। यहीं पे जो है ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ ठीक है। वैसे भी बाइक पे जाने का एक्सपीरियंस मुझे कोई अच्छा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ठोक सोक जो गई है, इसलिए गाड़ी पे जाना, पर वहाँ पर पार्किंग वोर्किंग कोई जगह चुका नहीं है ठीक है। तो अब पार्क एट योर ओन रिस्क, और बाइक की खड़ी करने की जगह बड़ी मुश्किल से मिली थी। उसके अलावा 12 तुम लोगों को टाइमिंग शाइमिंग तो उसने बता भी दी है, तो तुम लोगों को मुझे उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को ये ब्लॉग जो है ना वो पसंद आया होगा ठीक है। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और बेल आइकन को प्रेस करो। और ना अल्लाह हाफिज़, फिर आगे मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर। बाय बाय।